ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो गया, एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर देखा था 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया उसका, हाफ हो गया। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वॉटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब, कि भाई इसका वॉल्यूम निकाला जिसमें स्फीयर का वॉल्यूम और नेक का वॉल्यूम दोनों कंबाइन है, ठीक है, तो उसका एक बच्चे ने वॉल्यूम माइंड फाइंड आउट किया, तो कह रहा है कि मेरा तो 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। सो हमें को उसको चेक करना है क्या वो सही है या गलत है, और हमें पाई की वैल्यू लेकर चलनी है 3.14 के इक्वल, ठीक है। सो आप यहाँ पे फिर से जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, अब 1 सेंटीमीटर और स्फेरिकल की ये 8.5/2, तो दो जगह रेडियस यूज हो रही है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ये हमारे हाइट का काम करेगा उस सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, हमें वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्फेरिकल वेसल है ये, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट शेप्स जो है कंबाइन हो रही है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, ठीक है। सो दोनों का वॉल्यूम लेकर चलते हैं, देखिए स्फीयर का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और यहां क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर एच, ठीक है, सो ये 4/3 पाई, 3.14 यूज करनी है, आर हमारे पास कितना है 8.5/2 होल क्यूब प्लस फिर से 3.14 और यहां आर हमारे पास कितना है 1, सो 1 स्क्वेयर इनटू में हाइट, हाइट इज 8, ठीक है, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन काफी लंबी पड़ेगी तो ये मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है तो डायरेक्टली वो कर लेते हैं, ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा वरना इसके, मेरी तो कैलकुलेशन अप्रोक्स 321.39 अप्रोक्स कुछ आ रही है, 3 डेसिमल में थी तो वो 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, आप अपनी कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, इसके अप्रोक्स 25.12 के अराउंड कोई कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। सो यहां से भी चेक कर सकते हैं तो 1 हो जाएगा, 8 × 4 लास्ट में यूनिट प्लेस 2 बन रहा है ना, तो ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो 9 × 1 = 5.643, तो ये आ गया हमारे पास इतना, यानी कि ये इस 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब से डिफरेंट है, यानी कि द चाइल्ड इज इनकरेक्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब।